अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप अंदाज़ा लगाएं कि ट्रैफिक पुलिस को देखें और इनके इख्तियारात को देखें और इनके ये करतूत देखें, क्या इनके पास ये इख्तियारात है कि वो आवाम को इस तरह घसीट कर गाड़ी में डालकर ले जाएं। आखिरकार इन लोगों की क्या गलती होगी? किसी ने ब्रेक नहीं लगाया होगा या किसी ने कुछ एक आध बात तेज़ कर दी होगी, मगर देखें कि किस तरह इन लोगों को ये घसीट कर लेके जा रहे हैं इस नौजवान को। आप पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। चलो छोड़ दो यार, मसला क्या हुआ है? मसला इतना क्यों फाड़ दिया? क्या मसला, क्या वर्दी फाड़ दी है? ये बदमाशी है ना भाई, सरासर बदमाशी है। इतनी आवाम के सामने एक के साथ जुलम हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज एक साथ क्या होगा, कल दूसरे के साथ होगा। ये बदमाशी है, इनकी बदमाशी चल रही है। ये पुलिस वाले की गुंडागर्दी देख ले। अभी कुछ दिन पहले अमार फारूक का इंतकाल होता है और उसकी बीमारी की वजह यही होती है कि पुलिस बार बार आकर इनके घर पर छापे मारती है और डर की वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाती है क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं होते और खौफ एरास की वजह से वो बच्चे मुतासर हो जाते। अब यहाँ पर यह खातून पुलिस को बार बार कह रही कि आप ज़बरदस्ती मत करें, गाड़ी में बच्चा है वो डर जाएगा, मगर उसके बावजूद पुलिस ज़बरदस्ती करती है और उस लड़के के उस नौजवान के कपड़े पाड़ देती है। और वजह मालूम करने पर पुलिस लोगों को कहती है कि इसने हमारे कपड़े पाड़े हैं, इसमें तमीज़ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि तमीज़ तो इनमें भी नहीं है। अगर किसी ने कोई थोड़ी बहुत बदतमीज़ी कर दी तो उसका तो ये हल नहीं है कि आप इस तरह लोगों के सामने किसी की बेइज्जती करें, उसको घसीटे और उसको साथ गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा कर लेकर जाए। हालांकि उनके पास बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, मगर कोई लिहाज नहीं है इन लोगों का और बिल्कुल इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। न जाने इन लोगों को इदारे में क्या चीज़ सिखाई जाती है, ख़ुद इनको तमीज़ सिखाई जाती है कि नहीं, और ये बात करते हैं दूसरे लोगों की तमीज़ के ऊपर। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।